परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स इन सी। पहले देखते हैं वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल क्या है? वो पर्टिकुलर एक वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट्स होता है। सपोज हम कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे नेम, तो उसके लिए हम लेंगे एसटी नेम यानी स्टूडेंट्स नेम इज इक्वल टू सपोज परीक्षित। तो जो परीक्षित है वो स्टोर होगा एसटी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये वेरिएबल है। एक्चुअली वेरिएबल जो है टू स्टोर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ वेरिएबल, तो इसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और वेरिएबल जो है वो जिस डेटा टाइप का हम यूज करेंगे उस तरह से वो मेमोरी में अलोकेट हो गया उसका ब्लॉक। सपोज हम इंटीजर ए लिखते हैं तो इंटीजर ए की मेमोरी अलोकेट होगी 2 bytes। अगर हम लिखते हैं फ्लोट एवरेज तो उसकी मेमोरी 4 bytes, तो मेमोरी में उसको 4 bytes एलोकेट हो गए। अगर हम कैरेक्टर सी सेमीकोलन ऐसा लिखते हैं यानी सी वेरिएबल है उसको हम मेमोरी 1 byte एलोकेट होती है। तो इस तरह से जो वेरिएबल है उसको मेमोरी अलोकेट होती है और वो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है। और वो वेरिएबल जो स्टोर होता है उस एड्रेस पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है और वो वेरिएबल को हम फेच करते हैं पर्टिकुलर, तो वो वैल्यू जो हमें मिलेगी वो एड्रेस में से मिलेगी। तो इसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है वेरिएबल के बारे में। एक्चुअली वेरिएबल जो है वो इस तरह से है। यहाँ पे हमने लिखा डेटा टाइप इंटीजर ए उसका वेरिएबल है और उसकी 10 जो वैल्यू है वो असाइन होती है ए को। तो जब भी अगर हम ये स्टेटमेंट देंगे तो उसको एक मेमोरी में ब्लॉक मिलेगा। वो जो ब्लॉक होगा उसकी कैपेसिटी 2 bytes की, मैंने कल भी बोला था कंपाइलर के हिसाब से मेमोरी एलोकेट होती है 2 bytes। और ये इसकी क्या है, ये इसकी वैल्यू है और ये क्या है वेरिएबल। और ये जो होगा वो पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर उसको ये पर्टिकुलर ब्लॉक है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटीजर वेरिएबल है, ये डिक्लेयर किया है हमने और इनिशियलाइज भी किया है। ये फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट abg इज इक्वल टू 90.90 यानी ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, उसको वो पर्टिकुलर एड्रेस पे वो वैल्यू ये स्टोर करेगा 90.90। उसके बाद कैरेक्टर c इज इक्वल टू p यानी p जो स्टोर होगा वो c के अंदर होगा, उसकी कैपेसिटी 1 बाइट की मेमोरी में एलोकेट होगी। तो इसी तरह से ये वर्क करेगा। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो खास आप ध्यान में रखना वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है टॉप से लेके बॉटम तक। और थोड़े बहुत रूल्स में बता देता हूँ वेरिएबल्स के। एक्चुअली वेरिएबल्स है वो कभी न्यूमेरिक स्टार्ट नहीं हो गए। हाँ, आप वेरिएबल का नेमिंग कर सकते हो अल्फाबेट और न्यूमेरिक के साथ। आप वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, जैसे एन ए स्पेस एम ई, आपको उसको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। हाँ, आपको देना है तो स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिक से न्यूमेरिक नहीं होंगे, वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। दूसरा, वेरिएबल है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी 32 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ दे सकते हो। वेरिएबल है वो स्मॉल में ही होंगे, स्मॉल लेटर में ही होंगे, कैपिटल लेटर नहीं होगा। अगर कैपिटल लेटर दे देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो उसको सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट कंसीडर करता है, तो वो भी आपको खास ध्यान में रखना है। ये थोड़े बहुत रूल्स हैं वेरिएबल के लिए, वो आपको खास ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वेरिएबल्स वो यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आता है हमारा कॉन्स्टेंट इन सी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मीनिंग ये होता है वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन कॉन्स्टेंट। हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकते नहीं है, तो उसके लिए इसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं बोर्ड में 4 types के है, 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टेंट्स है उसके बेसिकली 2 types है। और तो पहले न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और उसके बाद कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर आप 2 types वैल्यू दे सकते हैं, न्यूमेरिक यानी विदाउट प्रिसीजन और विद प्रिसीजन। तो ये जो है इंटीजर, ठीक है, तो ये इंटीजर है, ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में आता है। तो इंटीजर यानी एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, i = 10 सपोज।
तो इस ये 10 है आई की वैल्यू वो फिक्स हो गई कॉन्स्टेंट, हम इसको बोल सकते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद बोलते हैं हम यानी रियल जिसकी वैल्यू फ्लोटिंग प्रिसीजन वाली आती है, तो ये सेकंड है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट का सेकंड टाइप्स। AVG इज इक्वल टू 10.90 यानी AVG नाम का जो वेरिएबल इसकी वैल्यू 10.90 है और ये हो गया रियल कॉन्स्टेंट सेकंड। उसके बाद आता है सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के दो टाइप्स है। सिंगल कैरेक्टर हमने सिंगल कोटेशन में एच दिया है यानी ये क्या हो गया सिंपल कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले लोगे सपोज C इज इक्वल टू एच यानी ये इसकी वैल्यू फिक्स हो गई एच, तो इसे बोलते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। सपोज हम यहाँ पे नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में परीक्षित देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई फिक्स परीक्षित, तो इसकी वैल्यू हो गई स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, इसकी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, इसकी रियल कॉन्स्टेंट और इसकी इंटीजर कॉन्स्टेंट। तो ये इस प्रकार से कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इन सी वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको समझाया वेरिएबल कैसे यूज होते हैं कॉन्स्टेंट कैसे यूज होते हैं, आगे हम प्रोग्राम्स देखेंगे जिससे हमें मालूम पड़े सभी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। तो उसके बाद हम आज कंटिन्यू सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो देखेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी आगे तीन प्रोग्राम थे हमारे वो देखे होंगे, उसमें आप कहीं कहीं हमने परसेंट डी परसेंट सी परसेंट एफ यूज किया है। तो एक्चुअली प्रिंटएफ के साथ प्रिंटएफ फंक्शन है वो क्या करेगा हमारी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है हमें तो उसके लिए हमें प्रिंटएफ फंक्शन जो सी का है वो यूज करना पड़ेगा। तो उसके साथ हम जो पहला पैरामीटर देंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। सपोज हमें इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें परसेंट डी देना पड़ेगा, अगर हमें फ्लोटिंग यानी कि प्रिसीजन वाली वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें परसेंट एफ देना पड़ेगा, अगर हमें कैरेक्टर टाइप वैल्यू प्रिंट करानी है तो परसेंट सी देना पड़ेगा, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है तो परसेंट एस देना पड़ेगा, अगर हमें अनसाइंड इंटीजर प्रिंट कराना है तो परसेंट यू, और अगर हमें प्रिंट कराना है नॉन इंटीजर तो उसके लिए हमें यूज करना परसेंट एलडी। इसी की हेल्प से हम लोग जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी, यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सपोज हम परसेंट डी देते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करानी है, इसका डिस्क्रिप्शन इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे परसेंट एफ, उसका मीनिंग ये होता है कि हमें प्रिसीजन वाली वैल्यू प्रिंट करानी है वेरिएबल की फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद परसेंट सी क्या करेगा, परसेंट सी जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद परसेंट एस ये क्या करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये पूरी जो कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट करेगी, मोर देन वन कैरेक्टर उसकी मदद से हम प्रिंट करवाएंगे। परसेंट यू हमें कोई भी अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट कराना है तो हम करा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था साइन के अंदर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, मिस दे सकते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप जो भी हम यूज करेंगे उसके साथ, अगर हम अनसाइंड यूज करते हैं तो उसके साथ हम पॉजिटिव वैल्यू ही दे पा सकते हैं, तो इसके लिए ये स्पेसिफायर है। परसेंट एलडी लॉन्ग इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमें कोई भी इंटीजर की लॉन्ग वैल्यू प्रिंट करानी है तो परसेंट एलडी से करा सकते हैं। ठीक है तो ये स्पेसिफायर है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग करेंगे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इससे भी ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अभी हमें जो मेनली यूज करने हैं वही मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब हम उसका यहाँ पे सिंटेक्स के द्वारा समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सपोज प्रिंटएफ पर्सन डी यानी हमें जो भी ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो कैसा होगा इंटीजर टाइप ही होगा, ये जो वेरिएबल होगा वो इंटीजर टाइप ही होगा तो ही ये प्रिंट करेगा पर्सन डी, यानी ये कंपाइलर देखेगा कि इसकी वैल्यू है जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू इंटीजर टाइप प्रिंट करनी है तो इसके लिए हमें ये यहाँ पे परसेंट डी देना है और इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे देना है, ये सिंटेक्स है, इसका एग्जांपल नीचे दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम परसेंट डी के जगह परसेंट एफ करते हैं
यानी कंपाइलर को मालूम पड़ेगा कि प्रिंटएफ के अंदर जो पर्सन डेफ दिया है वो स्पेसिफिक प्रीसीजन वाली वैल्यू प्रिंट कराने के लिए है। तो जो भी ये वेरिएबल होगा ये फ्लोट टाइप होगा, प्रीसीजन वाला होगा, इसकी मदद से यहाँ पे वो प्रिंट होगा पर्सन डेफ, यानी कंपाइलर को बोलेगा कि इसकी वैल्यू प्रिंट करो, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो फ्लोट टाइप प्रीसीजन वाली। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं पर्सन सी, तो जो ये वेरिएबल होगा वो कैरेक्टर टाइप वैल्यू प्रिंट करेगा, वो कंपाइलर को बोलेगा सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं पर्सन एस, तो जो भी ये वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप प्रिंट होगी, इसके लिए हमें पर्सन एस देना पड़ेगा। आगे अगर हम यहाँ पर पर्सन यू देते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है हमें अनसाइंड वेरिएबल है उसको प्रिंट कराना है, इसके लिए। अगर यहाँ पे हम पर्सन एल डी देते हैं उसका मतलब जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा वो लॉन्ग इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू ये प्रिंट करेगा, कंपाइलर को बोलेगा ये वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर है उसकी वैल्यू प्रिंट करके दो। तो इस तरह से ये सिंटेक्स है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब ये सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर में से जो मेन अभी हमें यूज करते हैं उसका मैंने एक प्रोग्राम से वो बनाया है, वो प्रोग्राम्स को हम समझेंगे और यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यहां से, हैज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड stdio.h, ये लिंक लाइब्रेरी है प्रिंटएफ फंक्शंस की, इसकी वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये प्रिंटएफ यहाँ पे हम यूज करते हैं इसके लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सी के अंदर यहां से स्टार्ट होगा, वॉइड मेन सब कुछ स्मॉल में, कमेंट के सिवाय void, यानी मैंने आगे बताया था डेटा टाइप है जो फंक्शंस के साथ रिटर्न नहीं करती है, इसलिए यूज करते हैं, करे तो भी चलेगा नहीं करे तो भी चलेगा। main, ये फंक्शंस का नेम है main, यहाँ से हमारा सी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई पैरामीटर है नहीं इसलिए विदाउट पैरामीटर, ओके। यहाँ का ये है स्टार्टिंग ब्रैकेट, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैंने ये कमेंट दिया है सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ये कमेंट है वो प्रोग्राम में कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, पहले हमने ये वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया इंटीजर i इज इक्वल टू 100 सेमी कोलन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको मेमोरी में 2 बाइट्स एलोकेट होंगे और वो बाइट के अंदर वो एड्रेस के अंदर उसकी वैल्यू 100 स्टोर होगी। पर प्रोग्रामिंग में हम ऐसा बोल सकते हैं i इज एन वेरिएबल टाइप ऑफ इंटीजर एंड इनिशियलाइज बाय 100। उसके बाद फ्लोट avg इज इक्वल टू 90.90, यहां पे हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल avg लिया, उसकी वैल्यू 90.90 दी, उसको मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई होगा, avg नाम का वेरिएबल जहां पे क्रिएट होगा उसके अंदर वैल्यू 90.90 स्टोर होगी। उसके बाद कैरेक्टर c इज इक्वल टू p, यहां पे 1 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट होगा, उसके अंदर c नाम का वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर p जो है वो वैल्यू स्टोर होगा। यहां पे एरे ही यूज कर रहे हैं अभी, कैरेक्टर नेम 25, यहां पे हम मैक्सिमम 25 का ही जो लेंथ वाला है वही नेम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें साइज इंक्रीज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर है, सिंगल 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 कैरेक्टर को जोड़ के ये बनेगा एक नेम। तो यहाँ पे परफेक्ट लिखा है, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो बट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये चलेगा। तो सिंपल इतना पार्ट था, वो हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू डिजाइन दी। ये टॉपिक है एरे वाला, वो आगे आएगा, अभी अगर हमें स्ट्रिंग देनी है तो इस तरह से हम दे सकते हैं। सिंपल हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, उसको मेमोरी मिल गई, ये वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, प्रिंट अ वैल्यू। अब सभी की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे सभी वेरिएबल की। तो यहां पे देखिए प्रिंटएफ बैकस्लैश एन, मैंने बोला था एक न्यू लाइन छोड़ के आउटपुट देगी, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी दे सकते हो। आई इज इक्वल टू, ये कमेंट में लिख देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू पर्सन डी टाइप इंटीजर टाइप है वो प्रिंट कीजिए। तो ये कंपाइलर को बोलेगा आई की वैल्यू पर्सन डी यानी 100, एक्चुअली ये 100 प्रिंट करेगा,
क्योंकि आई के अंदर ऑलरेडी 100 आ चुका है। उसके बाद printf backslash n यानी सेकंड लाइन पे आउटपुट आएगा। इसके अंदर backslash n सेकंड लाइन एवरेज इज इक्वल टू एवीजी परसेंट 0.2f। हमें पॉइंट के बाद दो ही प्रिसीजन लेने हैं, इसके लिए मैंने परसेंट 0.2f लिया। तो यहां पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 90.90। उसके बाद printf फंक्शन यहां पे आया थर्ड लाइन पे, printf पहला पैरामीटर बैकस्लैश एन कैरेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे मिलेगा हमें ऐसा। ये हम कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, एज ए स्ट्रिंग टाइप कंसीडर करेंगे कैपिटल स्मॉल। इसके बाद इक्वल टू परसेंट सी, हमने स्पेसिफायर जो है वो नहीं, सी है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर्स। तो यहां पे सी की वैल्यू है सिंगल पी मिलेगी, तो परसेंट सी कंपाइलर की वैल्यू प्रिंट करेगा इनडायरेक्टली पी। उसके बाद printf backslash n name is equal to person m person s sorry name, तो इसकी वैल्यू यहां पे जो प्रिंट होगी वो स्पेसिफायर के द्वारा होगी। कंपाइलर को बोलेगा कि नेम की वैल्यू person s यानी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू प्रिंट करे। तो ये तो as it is जैसा है ऐसा ही प्रिंट होगा। नेम इज इक्वल टू नेम में क्या स्टोर हुआ है, परफेक्ट। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है, यानी ये पार्ट था प्रिंट का, इसके बाद ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहां पे ये आउटपुट भी हमने नीचे लिखा है, मैंने साइड में भी लिखा है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपका प्रोग्रामिंग है वो स्ट्रांग बने। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी, वो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। उसके साथ यहाँ पे उसकी सिंटेक्स है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और पूरा एग्जांपल है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा, आप वॉच करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने आउटपुट भी दिया। तो आज का हमारा जो ये सेशन था वो भी कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा जो सेशन था वो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, और उसके साथ सेकंड टॉपिक था हमारा स्पेसिफायर, और स्पेसिफायर को कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आगे आगे हम प्रोग्रामिंग ज्यादा करेंगे तो ठीक है, तो आप ये भी आज लर्न कर लेना। अब ये हमारा 6th या 7th में वीडियो है, तो टोटल आप वीडियो देखेंगे तो सिंपल प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।